कहते हैं कि ऊंची उड़ान भरने के लिए परों की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। ये साबित कर दिया दमोह निवासी जहीर खान और उनकी पत्नी आसिया बी ने, जिन्होंने एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी की शुरुआत कर अपने बच्चों को न सिर्फ अच्छी परवरिश दी बल्कि बेहतर एजुकेशन देने के साथ डॉक्टर बनने यूक्रेन भेजा था, जहां पर अभी हालात खराब होने से छात्र छात्राएं वापस लौट रहे हैं। दमोह निवासी जमाल खान भी वापस अपने शहर लौट आया। पिता जहीर खान ने अपने बड़े बेटे जमाल खान को डॉक्टर बनाने का सपना देखा है। आलम यह है कि यूक्रेन के हालात बिगड़ने से वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं सहमे हुए वापस अपने वतन लौट रहे हैं जो फंस गए थे। एक सप्ताह से आने की कोशिशें करते रहे, आखिरकार केंद्र सरकार की पहल से बच्चों की वतन वापसी हो रही है। बेटा जमाल जैसे ही दमोह रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पर टकटकी लगाए माँ ने जैसे ही अपने लाल को देखा आंखें भर आईं और दौड़कर बेटे को सीने से लगा लिया। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा जमाल काफी परेशानी उठाते हुए यूक्रेन से बॉर्डर होते हुए एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से दिल्ली होते हुए दमोह तक पहुंचा। जमाल ने वहां से लौटने के बाद क्या कहा? इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया और मेरी हेल्प की। सर बेटा आ गया है, क्या कहना चाहेंगे आप देश और प्रदेश की सरकारों को, जिला प्रशासन को? शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, जिनके द्वारा मेरा बच्चा सही सुरक्षित अपने वतन वापसी हो सकी है, और एमपी गवर्नमेंट और दमोह प्रशासन के लिए मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा, जिनके द्वारा मेरा बच्चा सही सुरक्षित घर तक पहुँच पाया है। दमोह के सिविल वार्ड निवासी जहीर खान एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिन्होंने छोटे छोटे काम करके और अपनी जरूरतों को सीमित करके अपने बेटे को काबिल डॉक्टर बनाने का सपना देखा है, जिसे पूरा करने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि विदेशों में सिर्फ अमीरों के बेटे ही पढ़ने जाते हैं। इस पर जमाल के माता पिता ने क्या जवाब दिया, ये भी सुने। फैमिली से हूँ और मैंने अपने बच्चे को वहाँ भेजा। इस बात से सबको सीख लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पैसे वाले भरी जाते हैं, बस लगन हो बेटे, लगन होना चाहिए, पढ़ने की उमंग हो। अपने परिवार के खर्चे रोक कर मेरे शौहर ने और मैंने बहुत लगन से मेहनत कर दिन रात एक कर पैसा इकट्ठा किया और बेटे को विदेश भेजा है। अरमान होते हैं जिसके, वो भेजते हैं, लोगों का क्या है, लोग तो कहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग को मिडिल क्लास से हैं हम लोग, और हम लोग मेरे शौहर का ख़ास तौर से अरमान था और है, और इंशाल्लाह अल्लाह पूरा करेंगे। मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, आवाम की और देश की सेवा करेगा। जमाल के पिता जमाल के वापस लौटने पर शहर के हर एक नागरिक ने मुबारकबाद दी और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जमाल के माता पिता के हौसले और जज्बे को सलाम किया। उन्होंने कहा कि जहीर खान मध्यम परिवार के होने के बाद अगर ये अपने बेटे को उच्च शिक्षा दे रही हैं, तो ये दूसरों के लिए मिसाल है। मैं जानता हूँ, तो मेरे सुनने में बहुत सारी बातें आई कि वहाँ तो पैसे वालों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो मैं जहीर भाई को जानता हूँ और उन्होंने किस स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल करके कैसे पैसा जोड़ के बच्चों को पढ़ाया, बच्चे को वहाँ तक भेजा है। और हर माँ बाप अपने ख्वाबों को बच्चों में साकार होते देखना चाहता है, वो जमाल जहीर भाई ने किया है। और जमाल का जहाँ तक सवाल है, तो मैं ये तो कहता हूँ जमाल करेगा कमाल, अभी बस उसको थोड़ी सी मेहनत, वक्त की ज़रूरत है, मेहनत करेगा वो। और उनके परिवार तो मिसाल है, जहीर भाई तो मिसाल है हम लोगों के लिए कि अपनी ज़रूरतों में कमी करो, बच्चों की पढ़ाई से समझौता ना करो, तालीम से समझौता ना करो, तालीम के लिए वो मिसाल है। और हम समझते बाकी लोग भी उससे इबरत लेंगे और अपने बच्चों की तालीम पर इसी तरह से ध्यान देंगे। तो सुना आपने, जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था, आखिरकार वो पल और वो घड़ी आ चुकी है और दमो का बेटा वापस अपने माँ बाप के बीच पहुँच चुका है। बच्चे के आने से न सिर्फ शहर के लोगों ने बल्कि माँ बाप ने भी अब राहत की सांस ली है। इम्तियाज चिश्ती, दमो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।